आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अचानक दोपहर करीब 1 बजे निरीक्षण करने पहुंचे। प्राथमिक अस्पताल भनवापुर सिरसिया निरीक्षण करते हुए डुमरियागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही साथ अभिलेखों को भी देखा। इसके बाद उन्होंने महिला पुरुष वार्ड, अस्पताल परिसर व औषधि कक्ष का जायजा लिया। अस्पताल में कई स्थानों पर गंदगी पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए अधीनस्थों को सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं ओपीडी कक्ष व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया और डॉक्टरों को निर्देश दिए कि मरीजों को हॉस्पिटल से ही दवाइयां दी जाए, बाहर की दवाइयां न लिखी जाए। इसको लेकर डॉक्टरों को भी निर्देशित किया। वो मैंने देख लिया है और उनसे कहा है कि अपना आकलन बना के मेरे पास भेज दें, जो जो कमियां है उसको बना के भेज दें, और जब कमियां आ जाएंगी तो मैं अपने यहाँ के जूनियर इंजीनियर को भेजूँगा तो वो यहाँ पर आके इस्टीमेट बना करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जा सके। ख़ासतौर से यहाँ पर देखा जा रहा है कि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ख़ासतौर से सिलसिया में तो घुटने से ऊपर पानी चढ़ा आता है, और कमरे के अंदर, वार्ड के अंदर, लेबर रूम के अंदर, क्वार्टर के अंदर सब जगह पानी चला रहा है, कंपाउंड के अंदर भी पानी चला रहा है। यहाँ पर भी जब ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, तो उसकी भी मरम्मत करवाना जरूरी है। सर ये तो मेरे प्रकाश को अभी नहीं आया, ये आपने बता दिया है तो उसकी जाँच करेंगे। कौन सी डॉक्टर साहब है जो आप बाहर से दवा लिख रहे हैं? आज 3 दिन की छुट्टी पर है, आज मौजूद नहीं है, और ये शादी में गए हुए अपने घर के बाहर, जब ये आ जाएंगे तो इनके खिलाफ मैं इसको मांगूंगा, जवाब मांगूंगा। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉगिन करें www.खबरों की दुनिया.com।